अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज द बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स एंड माय टुडे टॉपिक इज पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, नॉन पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड मैं आपको समझा देता हूँ कि नॉन पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है। दोनों एटम एक जैसे होते हैं नॉन पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड में। नॉन पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है। ओके, और इनके दरमियान जो लगने वाली फोर्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने की और देने की जो फोर्स होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स कहलाती है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स दोनों की बराबर होती है। सही है, सबसे बड़ी बात, दोनों एटम्स एक जैसे होते हैं और दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स लगती है वो दोनों की बराबर होती है। अब यहाँ डायग्राम से समझें स्टूडेंट्स, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन, इसके दोनों का एटमिक नंबर एक है, दोनों का एटमिक नंबर वन है, तो दोनों के पहले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये हाइड्रोजन एटम इससे जब इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में जो फोर्स लगेगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स लगेगी, वो दोनों की बराबर होती है। यही नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है और जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में जो लगने वाली फोर्स होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स, वो दोनों की बराबर होती है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म जो बनता है बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स एक जैसे एटमों के दरमियान इस कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के ये पूरी एग्जाम्पल उतार देंगे। ओके, और ये दो लाइनें आप ये लाइन भी लिख दें, ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख दी और ये क्वेश्चन उतार देंगे। ओके, और ये भी आप लिख सकते हैं कि बोथ आइडेंटिकल एटम्स एग्जर्ट सेम फोर्स, दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो बराबर होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स दोनों की बराबर होगी ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने में जो फोर्सेस लगेगी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स बराबर होगी। ओके, ये आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ से यहाँ तक और जैसे इक्वेशन उतार दिएगा एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के। ओके, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो जो है हमेशा दो अलग अलग एटमों के दरमियान बनता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन दो अलग अलग एटमों के दरमियान बनता है और दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स है वो बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। अभी डायग्राम से समझते हैं। ये देखें, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का एटमिक नंबर 17 है, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 है। तो क्लोरीन का एटमिक नंबर 17 है तो इसका मतलब इसके शेल्स में टोटल इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी होगी, 17 होगी। ओके, जब इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद 17 है तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स भी क्लोरीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, हाइड्रोजन से। ओके, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दो अहम बातें होती हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो अलग अलग एटम्स के दरमियान बनता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स है दोनों की अलग अलग होगी, बराबर नहीं होगी। ओके, जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स बराबर होती है और एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है, जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, दो अलग अलग एटम्स के दरमियान बनता है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स बराबर नहीं होगी। यहाँ क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखें एटमिक नंबर 17 है, यानी कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आएंगे, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये आखिरी शेल को पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि अभी हैं 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा तो इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, ये आराम से ले लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसके पास चलेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो अलग अलग एटम्स के दरमियान बनता है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एक जैसी नहीं होती, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बराबर होती है। अब आएँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए यहाँ से देखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हेन डिफरेंट एटम्स, यानी कि अलग अलग एटम्स, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, क्लोरीन एक हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं। ओके, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जब एक इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन क्लोरीन को तो क्या होता है, बोथ द एटम्स एग्जर्ट अनइक्वल फोर्स, दोनों की दरमियान जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की वजह से जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो बराबर नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन का एटमिक नंबर ज़्यादा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 है कम है इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन भी एक है कम इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से क्लोरीन इससे आराम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इनके दरमियान अनइक्वल फोर्स लगती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं होती, अनइक्वल होती है। ओके, तो क्या होता है, अनइक्वल फोर्सेस लगती है ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेने देने में, तो सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, जिसकी डेफिनेशन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल की हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा HCl, H2 और NH3 के दरमियान बनता है, उसके बाद ये इक्वेशन भी उतार दीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। आप इसका क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन द पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल्स। ओके, ये क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद नॉन पोलर का लिख देंगे और पोलर का लिख देंगे जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच।